हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है कि वायुमंडल की परतें। जैसा कि पता है हमको कि मींस हमारी जो पृथ्वी है वह चारों तरफ एयर से घिरी हुई है, ठीक है। कि मींस हमारी जो पृथ्वी वह चारों तरफ क्या है, हवा से ढकी हुई है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, यानी कि वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन यह भी पूछता है कि वायुमंडल क्या होता है, तो आपको यही जवाब देना है कि हमारी जो पृथ्वी है वह चारों तरफ हवा से ढकी हुई है, ठीक है। एयर यानी कि हवा के चादर से ढकी हुई है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। कि मींस अगर कोई इंग्लिश में आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर, तो आपको क्या बताना है कि आवर अर्थ इज कवर्ड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लेकिन ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो हवा है, ठीक है, इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की परतें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन बना रहता है कि हमारे बादल कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बारिश जो हो रही है वो पानी कहां से आ रहा है, ठीक है। ये जो एरोप्लेन मूव करते हैं वो कहां पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमको मीटियोर्स जलते हुए दिखाई देते हैं ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो कहां पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, यह आपका पृथ्वी, ठीक है, यह आपका क्या है, अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी के चारों तरफ हवा है आपका, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर। अब इसी के लेयर के बारे में हम लोग, यानी कि परतों के बारे में समझने जा रहे हैं कि कितना लेयर्स है आपका और कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो जब पृथ्वी से आप 20 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे, ठीक है, 20 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे, तो इसको हम लोग एक लेयर बोलते हैं, इसका नाम है आपका ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर। और हमको पता है कि मींस हमारे पृथ्वी पर बारिश होता है, तो बारिश होता है तो बादल कहीं पे बना होगा, तो बादल इसी में प्रेजेंट होता है, बादल हमारा इसी में प्रेजेंट होता है, और यही बादल बारिश कराता है। तो अगर कोई क्वेश्चन, कई बार जो है एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मींस हमारा जो क्लाउड्स होता है वो किस लेयर में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है, ट्रोपोस्फीयर में आपका प्रेजेंट होता है। और दूसरा, क्लाउड्स भी आपका यहीं पे प्रेजेंट होता है, रेनफॉल भी हमारा यहीं पर होता है, और स्नो यानी कि आपके जो ओले देखने को मिलते हैं ठंड के महीने में, ओले आपके गिरते हैं, वो भी आपके इसी लेयर में गिरते हैं, ठीक है। अब आपका ये कौन सा हो गया, ट्रोपोस्फीयर। और कोई पूछता है कितने से कितने किलोमीटर तक है, तो जीरो से लेके आपका 20 किलोमीटर तक आप उसको बता देंगे। और वहीं अगर बात की जाती है कि मींस आपके डेंसिटी वगैरह के बारे में या फिर टेम्परेचर के बारे में, तो देखिए ये जो आपका ट्रोपोस्फीयर है इसमें अगर आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, अगर आप ऊपर जाते हैं तो फिर क्या होगा, आपका टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर आपका माइनस होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है कि मींस अगर हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो फिर टेम्परेचर आपका क्या होगा, कम होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि भारत है आपका, तो भारत के उत्तरी में आपका क्या है, यहाँ पर हिमालय है, माउंटेन पर्वत है, और हमको पता है जब आप हिमालय में पहाड़ियों के नीचे रहेंगे तो थोड़ा सा गर्मी लगेगा, लेकिन वही पहाड़ियों पर जाइए तो क्या होता है, बर्फ से पूरा घिरा होता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर आपका कम होते जाता है, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है कि टेम्परेचर इस लेयर में, ट्रोपोस्फीयर में आपका टेम्परेचर क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पर कम होता है, यह भी आपको याद करना है। और वहीं अगर आपके प्रेशर के बारे में बात करता है कोई पूछता है आपसे प्रेशर कि प्रेशर क्या होगा बताओ, ठीक है, कि मींस अगर हम लोग क्या करते हैं ट्रोपोस्फीयर में, प्रेशर क्या होगा अगर हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर भी आपको क्या होता है, कम होता है, ठीक है, प्रेशर भी आपको क्या होता है, कम होता है। कैसे कम होता है इसका भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमने बताया कि मींस कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक बर्तन लीजिए, पॉट लीजिए, ठीक है, और इस पॉट में आप क्या कीजिए, इधर आपका पानी है, ठीक है, पानी है पूरा, इसमें आप कंकड़ वगैरह डाल दीजिए, ठीक है, स्टोन्स डाल दीजिए, तो वो देखेंगे कि आप नीचे सेटल्ड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होता है, तो प्रेशर आपका नीचे ज्यादा लगेगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर आपका डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अब बात आती है दूसरा जो लेयर है आपका, वो कौन सा है आपका, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में आपका क्या होता है, यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कितने से कितने किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है, तो देख सकते हैं 50 किलोमीटर तक, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो 50 किलोमीटर तक आपका ये कौन सा लेयर होगा, स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाएगा, ठीक है, यानी कि 20 किलोमीटर के बाद आपका 50 किलोमीटर तक आपका कौन सा है, स्ट्रेटोस्फीयर देखने को मिलेगा। और इसी में आपका जो इंपॉर्टेंट होता है
कि मीन्स एरोप्लेन कहाँ पे उड़ते हैं, तो एरोप्लेन भी आपका यही पर उड़ते हैं, देख सकते हैं एरोप्लेन भी आपका इसी में, आपका इसी लेयर में, आपका स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपका एरोप्लेन देखने को मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट लेयर इसमें देखने को मिलता है जिसका नाम है आपका ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर भी आपका इसी में प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही प्रेजेंट होता है। और हमको पता है कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितना ज्यादा काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर ये ओजोन लेयर ना रहता तो फिर हमको बहुत ज्यादा स्किन डिजीजेज वगैरह हो सकते हैं। ओजोन लेयर ही हमको क्या करता है, यूवी रेज जो होते हैं यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं, हानिकारक कीड़े होती हैं, उससे हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और दुनिया में जितने भी जीव जंतु प्रेजेंट है, ठीक है, वो इसी के वजह से प्रेजेंट है, क्योंकि अगर यूवी रेज डायरेक्ट आ जाएंगे और इंटरेक्ट कर जाएंगे किसी बॉडी से, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड, स्किन डिजीजेस वगैरह देखने को मिलेगा, आदमी डाई कर जाएंगे, यानी कि दुनिया हमारा एक्सटिंक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला जो लेयर आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेजोस्फीयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजोस्फीयर। और इसी मेजोस्फीयर में ही हमको ये जो मेटियोर्स देखने को मिलता है, मेटियोर्स मतलब ये जो उल्कापिंड वगैरह आते रहते हैं और ये बर्न करते हैं, जो आग की तरह दिखाई देता है हमको आसमान में, ये आपके यहीं पर बर्न करता है। तो ये अगर कोई पूछता है कि मीन्स हमारा जो मेटियोर्स होते हैं वो कहाँ पे बर्न करते हैं, तो फिर आपको बताना है मेजोस्फीयर में बर्न करते हैं। अब इसके ऊपर वाला जो लेयर आता है आपका, वो कौन सा है आपका, थर्मोस्फीयर, ठीक है, इसके ऊपर वाला आपका कौन सा है, थर्मोस्फीयर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। इसमें आपके जो फोन कॉल्स वगैरह हम लोग करते हैं, ठीक है, किसी से बात करते हैं, तो बात हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं वो रेडिएशन आपका यहाँ तक जाता है और यहाँ से पृथ्वी से आपका डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा, फिर आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे होंगे वो यहीं पर भेज देता है, ठीक है। तो इसी को थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी बोला जाता है। और यहीं पर आपके क्या होते हैं, इंटरनेशनल स्पेस शटल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर तक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका मेजोस्फीयर है ये आपका कितने किलोमीटर तक था, 85 किलोमीटर तक, ठीक है। तो इसके नीचे हमने देखा स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर आपका 50 किलोमीटर तक था, 50 से लेके 85 के बीच में आपका कौन सा आता है, मेजोस्फीयर। और 85 के बाद आपका 690 किलोमीटर तक आपका कौन सा हो जाता है, थर्मोस्फीयर, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। और इसमें आपके मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट जो होते हैं वो आपके एक्सोस्फीयर में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा डायग्राम भी यहाँ पर देख सकते हैं, वही आपका कि हमने बताया ट्रोपोस्फीयर में आपके बादल वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एरोप्लेन वगैरह जो मूव करते हैं, ठीक है। और मीटियोर्स वगैरह आपके किसमें आएंगे, मेजोस्फीयर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं सैटेलाइट, कुछ सैटेलाइट हमने बताया थर्मोस्फीयर में आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका स्पेसशिप वगैरह कहां पर देखने को मिलेगा, एक्सोस्फीयर में देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, बुक वगैरह चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।